खबर छिंदवाड़ा जिले से, जहां परिवहन और भंडारण भुगतान की व्यवस्था बनाने के दिए निर्देश। 3 लाख क्विंटल के पार पहुंची गेहूं की खरीदी। वहीं जिले में बारिश के चलते गेहूं की चमक कम होने के कारण केंद्रों में ऐसा गेहूं नहीं खरीदा जा रहा है। संभागीय कमिश्नर महेंद्र चंद चौधरी ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि चमकहीन गेहूं की खरीदी भी करें ताकि किसान परेशान न हो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि खरीदी में गेहूं के निर्धारित मानकों का ख्याल रखा जाए, जो टूटा हुआ ना हो, निर्धारित मानकों से ज्यादा खराब ना हो और गेहूं में मिट्टी भी ना हो। कमिश्नर ने गेहूं वितरण को लेकर अधिकारियों की बैठक ली और गेहूं भंडारण के साथ ही निरंतर परिवहन व्यवस्था बनाए रखने के लिए कहा है। देखिए पूरी खबर IBN 24 न्यूज के लिए। आशीष मालवीय की रिपोर्ट। हमारे 8-10 भी आप भेजोगे तो हम मुंबई तक। छिंदवाड़ा जिले में जो हमारा प्रवास है वो दो उद्देश्यों को लेकर के किया था। नंबर वन, कोरोना के संक्रमण का फैलाव छिंदवाड़ा जिले में ना हो और उसकी रोकथाम के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, उपचार के लिए क्या प्रबंध किए जा सकते हैं, इस संबंध में हमने यहाँ भ्रमण किया है और समीक्षा की है। मेडिकल कैंपस और जिला चिकित्सालय को भी मजबूत किया जा रहा है और ब्लॉक लेवल पर जो हॉस्पिटल्स हैं, PHC हैं, इनमें भी मेडिसिन की व्यवस्था और उपचार की व्यवस्था दोनों जो है वो सुनिश्चित कराई जाएंगी। दूसरा उद्देश्य किसानों से गेहूं खरीदी को लेकर के है और गेहूं की खरीदी सुगमतापूर्वक हो जाए, किसानों का एक एक दाना गेहूं का खरीद लिया जाए समय पर, ये राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज हमने चौरी क्षेत्र के खरीदी केंद्र का भ्रमण किया, गेहूं भी देखा। क्षेत्र के वरिष्ठ जनप्रतिनिधि पंडित रमेश दुबे भी मेरे साथ में यहाँ पर केंद्र पर मौजूद हैं और उनसे भी मेरी चर्चा हुई है। जो किसानों की समस्याएं हैं खरीदी को लेकर के, वो उन्होंने हमारा ध्यान आकर्षित किया है, तो उस बात को मैंने सुना है। समस्या का हम लोग समाधान करेंगे और हमारा प्रयास यही है कि जो जिला प्रशासन है वो इसमें प्रभावी रूप से गेहूँ खरीदी में समीक्षा करते रहेंगे और किसानों का समय पर गेहूं खरीद लिया जाएगा, उनके खाते में जो राशि है वो अंतरित हो जाए, परिवहन हो जाए और गेहूं खराब ना हो। जो SMS जा रहे हैं उस व्यवस्था पर भी चर्चा हुई है, जो असुविधा हो रही है उस असुविधा को कैसे दूर कर सकते हैं, इसको हम लोग गंभीरता से देखेंगे और रिव्यू करेंगे।